मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने एक विवादित बयान दे दिया है। इसके चलते वे विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने नशा मुक्ति अभियान के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिलाओं से कहा कि वे अपने पतियों से कहें कि शराब घर लाकर पिएं। जब आपके पति बच्चों के सामने शराब पिएंगे तो उन्हें शर्म आएगी और इसके बाद धीरे धीरे शराब पीने की लत छूट जाएगी। उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने कहा कि अगर व्यक्ति घर में शराब लेकर आएगा और बच्चों के सामने पिएगा तो घर कलह का केंद्र बनेगा और ऐसे में घर में विवाद होंगे। कि मेरा पति दारू ना पिए, पहले तो उसे इस तरीके से बताएं कि आप बाजार में कहीं मत पियो, आप तो ले आओ और खाना खाओ मेरे सामने पियो। सामने पिएंगे उनकी लिमिट कम होती जाएगी, धीरे धीरे वो बंद के कगार पे आ जाएगा, उसे शर्म ये आएगी कि मैं अपनी पत्नी या बच्चों के सामने शराब पी रहा हूं। उसे वो भी कहानियां, वो भी बातें बताएं कि तुम्हारे बच्चे आगे शराब पिएंगे, शराब बंद पीने वालों की हालत होगी, शराब उसकी बंद होगी, ये बिल्कुल तरक्की कर देंगे, वो शराब छोड़ेगा, उसकी स्थिति सारी सामने आएगी। मंत्री जी ने जो कहा है उनका आशय ठीक है लेकिन कहने का ढंग ठीक नहीं है। घर में शराब पियेंगे तो घर कलह का केंद्र नहीं बनेगा, पूरे परिवार में घरेलू हिंसा होगी, घर कलह का केंद्र बनेगा। उन्हें ये कहना चाहिए कि शराब ना पिए लोग मंत्री होने के नाते। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।